तो अब तुम लोग आ गए हो दसवीं में। हाँ सर। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक। सीरियस हो। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं। मगर क्यों? मैं मरते मरते भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। सर इसकी हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से मैं हवा हवा ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्टैचू। अगर आप जरा सा भी हिल गए ना तो देख लेना, फिर आपको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना पड़ जाएगा। देखा, जलवे बोलते जलवे। निकल निकल, सीधे क्लास के बाहर निकल जाना, इधर देखना भी मत। और ये बेचारे बच्चे घर पे जा रहे हैं ना, तो इनको घर पे भी अलग ही लेवल पे टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बस खा पी के पड़े रहते हैं, पटोले सरी के। बोर्ड एग्जाम आ रही है पर इनको कोई सीरियसनेस नहीं है। मतलब रोटी ले रहा बेटा? मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे पूछे बिना ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है। वाह वाह, मतलब वाह। चलते हो कोटा भेज देते हैं। किसको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं बनूंगा वो क्या बोलते हैं, वो घासले सी का आग लगाऊंगा मैं। देखा टैलेंट। हाउ टू स्कोर 95 नहीं 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन लास्ट टू डेज इन हिंदी। देख बेचारा मर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। तो आ गए फिर से। सो एग्जाम्स। पढ़ ले थोड़ा सा, पढ़ ले। पढ़ाई में जीव लगा ले थोड़ा सा। मतलब पढ़ाई जो करने में तुमको मौत आती है और जिन बच्चों को मौत नहीं आती है। कब तक करोगे एक्टिंग? ओके। तो जैसे ही हम लोग 9वीं से 10वीं में गए ना, हमारे ऊपर इतना दबाव डाला गया ना, हमारे स्कूल वालों के पास था बहुत बड़ा दिमाग। समले नहीं समला है, इतना बड़ा दिमाग। इन्होंने पूरी क्लास में से कुछ 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा टॉपर 10। मतलब एग्जाम होने से पहले टॉपर डिसाइड कर लिए इन लोगों ने। ओए सुन लो रे, ओए इधर इधर। पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो तुम लोग। अब कुछ मतलब नहीं रहा पढ़ने में, क्योंकि टॉपर्स मिल चुके हैं हमको। हाँ, ये एग्जाम कब थी? पैर पढ़ो इनके, पैर पढ़ो। और तो और हमने पोस्टर्स भी छपवा लिए। टाडा। सर जब डिसाइड हो ही चुका है कि ये लोग टॉपर बनने वाले हैं, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत है क्या? भेज दो इनको घर घर। और क्या, जाओ जाओ घर जाओ। बेटा तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी छोटा ही है दिमाग। तो हम लोग प्यार से इन टॉपर 10 को बुलाते थे टोपा 10। और सारे टीचर लोग इन 10 बच्चों को खोपचे में ले जाके जाने क्या गुप्त ज्ञान बांटते थे। देखो बेटा, बीड़ी कभी भी फूको ना तो हमेशा उसका पूरा स्वाद लो, फील लो उसकी पूरी। लो ट्राई करो अब तुम लोग। और हाँ एक और बात, हमारे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी और फैसिलिटीज के नाम पे। अरे बेटा चौक खत्म हो गई स्कूल में। एक तो तुम लोग फीस भी नहीं भर रहे ना। क्यों कर रहे हो हमारे साथ इतना अत्याचार? बेटा हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं, एक रोटी नसीब नहीं हुई हमको 2 साल से। ये देखो मेरा पेट। फीस भर दो ना प्लीज। मैम मैंने तो कब की भर दी है फीस, तो एक बार फिर से भर दो। क्या चल जाएगा तुम्हारा इसमें? जाओ पैसे लेके आओ घर से। और लड़कियों को कुछ लेना देना ही नहीं है सबसे। वो पीछे कोने में बैठ के घपा घप पैम चबा रही है। और ये काम अकेले नहीं होता था, सामूहिक प्लानिंग से होती थी ये चीज। लड़कियां मिल बांट के पैम खाती थी 1-1 किलो। कैसे? तो हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत धुआंधार चल रही थी। और हाँ हमारे टीचर लोग आए दिन आके हमको मोटिवेट करते रहते थे। देखो बेटा ये आखिरी के कुछ पल ही बचे तुम्हारी जिंदगी में, इसमें पूरा जोर लगा दो। लाभ मैं सही को लगा के तेरी चमड़ी निकालूंगा। बेटा देखो ये तुम्हारी जो मार्कशीट आएगी ना, यही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब रोटी किसका? तो अरे नीचे की राजी रोटी। तो फेविकोल की चमड़ियां निकालते निकालते हमको पता भी नहीं चला और हमारा पूरा साल निकल गया। फिर मैंने एक विषय पे थोड़ा सोचा कि हमारी एग्जाम भी तो है। सुबह 5 बजे का अलार्म भरते हैं, तो 5 बजे उठते ही पढ़ने बैठेंगे। और फिर खाना उतना जरूरी नहीं है, 1-2 दिन में एक बार खाना खा लूंगा। और खाना खाते खाते ही पढ़ाई चलेगी, ठीक है? और एक इंसान 100 बिना भी रह सकता है, तो दिन रात बस पढ़ाई होगी। अब तो टॉपर हार्डी बजा रहे हैं। अगले दिन। ओ माई गॉड, मैं पूरे 2 मिनट लेट हो गया। और ये मेरी चड्डी गीली कैसे हो गई? अब शगुन लगता है
अब मेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये अब तक उनको ठीक करने का एक ही रास्ता है, घास रेत पी के आग लगाओ। सफलता की ओर एक और कदम। फिर एग्जाम के दो दिन पहले इनकी उगत उड़ रही है। हाउ टू स्कोर 95 नहीं 100 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन लास्ट टू डेज इन हिंदी। और इनके ऐसे चटक थंबनेल देख के एक बार को तुम्हारी आंखें भी चमक जाएगी, और वो वीडियो भी ऐसी अजीब सी होगी ना। बेटा ओ इधर, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुमसे। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि तुमको ये वीडियो देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है। साल भर तुमने क्या जक मराया? तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी झंड है। तुम्हारे घर में पंखा हो तो उस पर लटक जाओ, नहीं तो छत से कूद जाओ, कोई मतलब ही नहीं है अब तुम्हारा इस जिंदगी में। बस धरती पे बोझ हो तुम, कुछ नहीं हो सकता। दो दिन पहले इनकी उगत उड़ रही है, कूद जाओ। हाँ कूद जाओ, सोचो मत कुछ, इतना कूद जाओगे तो फोटो तो आएगा पेपर में, ये देख के ही माँ बाप खुश हो जाएंगे तुम्हारे। और एग्जाम के एक दिन पहले रात में, बेटा जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा है, पूरे 24 घंटे, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं, हम सब लोग 24 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं, जिसमें तुमको हमारे साथ खड़े होके भागना होगा। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुमको घर छोड़ के भागना ही है। तो हमारा कोई सा तो सेंटर आया था, वहाँ पे हम लोग एग्जाम देने गए थे। वो सेंटर नहीं था, जने कौन से जंगल के बीच में चार पत्रे लगा दिए और बोल रहे सेंटर है ये। हम लोग एग्जाम दे रहे, उधर पीछे कुत्ते चिपक रहे, गाय आके बच्चों के पेपर में पोटा कर रही है, और मेरी टेबल भाई साहब बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह डगमगा रही थी वो टेबल। तो मैंने सोचा कि वाह, मेरे को बहाना मिल जाएगा अब कम नंबर आएंगे तो, कि विचार उच्चा लिख ही नहीं पाया, टेबल खराब थी। और फिर रिजल्ट आते हैं ना, तो वो जो टॉपर 10 थे ना, उनको छोड़ के कोई अलग ही प्राणी टॉपर बन जाता है, जिसको आज तक तुमने कभी स्कूल में देखा ही नहीं होगा, वो तुम्हारी क्लास में ही था। फिर ये टॉपर को सम्मानित करने के लिए उसको हार वार पहनाते और फिर उसका फोटो खींच के पोस्टर छपा देते बड़े बड़े। ये देख बेचारा मर गया, इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए।